दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं पिछले 6 मंथ के टॉप 30 करंट अफेयर, जो कि RRB ग्रुप डी, RPF, SSC, GD, पुलिस, SI सभी परीक्षाओं के लिए, वीडियो के लिए, सभी परीक्षाओं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 30 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 30 में से 30 प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को 1 से 2 बार पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके वही क्वेश्चन यहाँ कलेक्ट किए गए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 30 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस पिछले 6 मंथ के। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, देखिए, मार्च 2018 में रूस में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं, मतलब पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यह इनका कौन सा कार्यकाल है? चौथा कार्यकाल है। कौन सा? चौथी बार ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो नाम याद रखिएगा कि व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? रूस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए, एक राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न आया है, कॉमनवेल्थ गेम से। 21वां राष्ट्रमंडल खेल अप्रैल 2018 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट में, नाम याद रखिएगा। और यहीं बात करें 22वें राष्ट्रमंडल खेल की, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपका आयोजित होगा बर्मिंगम में, UK में। ये 21वां है, 22वां आपका कहाँ आयोजित होगा प्रश्न पूछ सकता है, तो बर्मिंगम में आयोजित होगा, बर्मिंगम, या कहाँ पे है? यह यूनाइटेड किंगडम में है, या 22वां यहाँ पे आयोजित होगा, 21वां गोल्ड कोस्ट में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए, अमेरिका द्वारा एक पत्रिका जारी होती है जिसका नाम फोर्ब्स है, उसके द्वारा मार्च 2018 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है? तो विश्व के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पे हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, ये अमेरिका के हैं, अमेजन कंपनी के संस्थापक। इसके पहले कौन थे? बिल ग्रेट्स थे, और बिल ग्रेट्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और ये बन गए हैं पहले, प्रथम अरबपति बन गए हैं विश्व के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न है, ऑस्कर फिल्म पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है द शेप ऑफ वाटर को मिला है 2018 का। देखिए, सारे के सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, RRB की परीक्षा हो, APL की परीक्षा हो, आगे जितनी भी परीक्षाएं, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रश्न का, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आ चुके हैं और लास्ट 6 मंथ के यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक का मार्च 2018 में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम है? स्टीफन हॉकिंस। और इनको एक बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम हम आपको बता दें, तो उस बीमारी का नाम है मोटर न्यूरॉन। परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी इनको हो गई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 76 वर्ष की आयु में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उस पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री टाइम। अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, और किस बीमारी से? मोटर न्यूरॉन की वजह से बीमारी हो गई थी, इसी वजह से इनका देहांत हो गया। इतने फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन आपका आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी और एक राष्ट्रपति हैं किसी देश के, उन दोनों के बीच यह संपन्न हुआ है, तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में।
अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का पहला है, तो पहला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक संयुक्त सैन्याभ्यास 2018 में किस नाम से भारत में संपन्न हुआ, तो यह मिलन के नाम से भारत में संपन्न हुआ। और कहाँ पे? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। ये पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो यह पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ। इसमें 9 देशों ने भाग लिया था और 8 दिनों तक यह युद्धाभ्यास चलता रहा। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2018 में आयोजित मलेशिया सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता? तो मलेशिया सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता है, किसने जीता है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। यह कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, भारत का स्थान पाँचवा है, भारत पाँचवें नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेपाल की किस महिला को पुनः राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर दिया गया है? तो विद्या देवी भंडारी को नियुक्त किया गया है, यह उनका दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है, विद्या देवी भंडारी को नियुक्त किया गया। और इन्होंने किसे हराया है? तो कुमारी लक्ष्मी राय को इन्होंने हराकर सीट हासिल की है, जीत हासिल की है विद्या देवी भंडारी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कार्यकाल है इनका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को अप्रैल 2018 में पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था? तो उनका नाम है दीपक मिश्रा को हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और नाम है कि 3 अक्टूबर को अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो 3 अक्टूबर को अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे आपके गोगोई। कौन? न्यायमूर्ति गोगोई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से अप्रैल 2018 में किया गया? तो उस युद्धाभ्यास का नाम है गगन शक्ति 2018। यह गगन शक्ति 2018 का आयोजन किया गया, यह वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न देखिए कट गया है, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं टाइप करते हुए। तो देश में सुरक्षा हथियारों के उत्पादों का सबसे बड़ा प्रदर्शनी डेफेक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है थिरुविदथाई कांचीपुरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाने वाली फिल्म कौन सी है? यह भी प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। तो विलेज रॉक स्टार को इस फिल्म का अवार्ड मिला है। किसे मिला है? विलेज रॉक स्टार को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 में किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनोद खन्ना जी को सम्मानित किया गया है। इसके पहले किसे सम्मानित किया गया था मरणोपरांत? पृथ्वीराज कपूर को 1971-72 में सम्मानित किया गया था। तो नाम याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 मरणोपरांत दिया गया है विनोद खन्ना को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक मेडल जीतकर किस राष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो उस राष्ट्र का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 136 पदक के साथ इस तालिका में पहला स्थान बना लिया है। और भारत कितने पदक जीते हैं? भारत ने 66 पदक जीतकर इसमें तीसरा स्थान बना लिया है। और इंग्लैंड का स्थान दूसरा है। तो पहला है यह, उसके बाद भारत यह दूसरा है, और भारत क्या है? तीसरा है। 136 के साथ यह पहला है और भारत 66 के साथ तीसरे नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जून 2018 में कहाँ पे संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है चीन में, और किदगांव
नामक एक स्थान है वहाँ पे यह संपन्न हुआ चीन के, तो याद रखिएगा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन में इस बार आयोजित हुआ 2018 में। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण कोरिया की किस महिला पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ की एक अदालत ने अप्रैल 2018 में 24 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है, तो उनका नाम है पार्क म्यून हे, पार्क ग्यून हे उनका नाम है। तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 2013 से 2017 तक ये राष्ट्रपति पद पर थी, और भ्रष्टाचार के मामले में 24 वर्ष की इनको कारावास की सजा सुना दी गई है। तो आज के ये थे टॉप 30 के लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। बाकी अगर आप और करंट अफेयर ऐसे चाहते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आएँ आपके लिए, ताकि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आगे आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।